हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सानी फैशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम स्टिचिंग करना सीखेंगे। हमने पहला वीडियो डाल चुका है जिसमें कटिंग का वीडियो डाले थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गला सिलेंगे। इस तरह से हम एक चाप का सिलाई चला देंगे। हम इसमें पाइपिंग नहीं बनाएंगे, ऐसे ही चला दे रहे हैं कि इसका हाथ का काम नहीं करना पड़ेगा। इसको हमने इस तरह से पलट दिया। अब इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब इसको भी हम सीधा की तरफ से ही सिलाई लगा रहे हैं, फिर इसको भी पलट देंगे। नीचे का पार्ट है ये जो कमर वाला होता है। ये जो किनारे किनारे कपड़ा थोड़ा थोड़ा बचेगा, इसका कटिंग करके निकाल देंगे। ये दो टक्स का निशान लगा लेंगे, कमर वाला है। यहाँ का धागा बांध देने से मजबूत हो जाता है। ये हमारा पीछे का पल्ला तैयार हो गया। अब आगे का पल्ला हम गलत की तरफ से सिलते हुए जाएंगे। ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा दी। अब चारों तरफ का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कटिंग करके निकाल देंगे। अभी हम चार टक्स का निशान लगाएंगे, सिलेंगे जो निशान लगाए हैं उसी के ऊपर से। नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा कपड़ा पकड़ेंगे, फिर इधर से हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ के उतराव चढ़ाव सिलाई लगाएंगे।
इधर भी हम थोड़ा ज़्यादा कपड़ा पकड़ेंगे और ये लास्ट तक हम कम कपड़ा कर देंगे। इस तरह से सिलने से हमारे ब्लाउज का फिटिंग अच्छा आता है। ये चार टक्स का सिलाई हमने लगा लिया। अब बाजू में जो ज्वाइंट वाला था वो सिल देंगे, बेल्ट का भी अस्तर लगाकर सिल देंगे। हमने बाजू में अस्तर नहीं लगाया है। अब ये नीचे का भी थोड़ा सा मोड़ कर सिल देंगे। चाहे तो आप कच्चा सिलाई लगा सकते हैं, चाहे तो पक्का भी कर सकते हैं। फिर बाद में इसको उभार कर हम तुरपाई लगा देंगे। इधर हम बेल्ट जोड़ देंगे इस तरह से। इसके ऊपर भी सिलाई चला देंगे, इससे सिलाई बैठ जाता है। बेल्ट वाले पार्ट पे हमने सिलाई लगाना है। दोनों पल्ला इस तरह से हमने तैयार कर लिया और पीछे के पल्ला आगे के पल्ला को कंधा जोड़ देंगे। कंधा जोड़ने से पहले हम गला तैयार कर लेंगे, काज पट्टी बटन पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए हम बटन पट्टी लगा रहे हैं। बटन पट्टी को जैसे हुक के लिए हम ये बना रहे हैं तो सीधा की तरफ से सिलेंगे। इसको 2 इंच हमने लिया है। इसको ऐसे पलट कर हम सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। जो कपड़ा लगाए हैं उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरह से नीचे से थोड़ा सा मोड़ कर और साइड का इस तरह से 1/2 इंच मोड़ कर ऐसे सिलाई बैठा कर फिर हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारा दायां साइड का है। दायां साइड के पल्ला में हम हुक लगाते हैं। अभी हम लेफ्ट साइड का आई बनाएंगे। ये हम सीधा की तरफ लगाते हैं इस तरह से, उल्टा की तरफ से लगा रहे हैं। आई बनाना हमने अलग से भी वीडियो डाल रखा है, आप चाहे तो हमारा उस भी देख सकते हैं। इस तरह से इसको पलट कर डबल सिलाई लगा देंगे। पहले एक सिलाई लगाकर फिर एक चाप का सिलाई लगा देंगे। इसमें हम आई बनाएंगे। ये हम गला तैयार कर लेंगे। उरेवी पट्टी काट कर हमने तिरछा में ये कपड़ा काटा है।
और गले पे लगा रहे हैं डबल करके। फिर बाद में हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। ऐसे आसानी से हमारा तुरपाई हो जाता है इसके ऊपर सिलाई लगाने से। तो जिस तरह से इधर हमने किया वैसे भी ये भी तैयार कर लेंगे, दूसरा पल्ला भी। अब हम कंधा ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह से दूसरा भी हम कंधा जोड़ लेंगे। अब ये बाजू जोड़ देंगे, जो ज्वाइंट वाला भाग है वो पीछे के पल्ला की तरफ कर देंगे और बिना ज्वाइंट वाला आगे के पल्ला पर रहेगा। बीच में कट का निशान डाल के कट के साइड से सिलना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हम बाजू को सिलते जाएंगे। डबल सिलाई लगा देंगे। अब इसके हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। पहले सीधा की तरफ सिलाई लगाकर फिर इसको फिटिंग का निशान लगाकर सिल लेंगे। इसको ऐसे पलट दिए, जैसे हमने निशान लगा दिया। पहले कमर जैसे नापा था हमने चेस्ट को 11 इंच पे, ये बाजू नाप कर और ये चेस्ट से मिला देंगे। इस साइड भी हमने ऐसे ही नाप कर निशान लगा देना है। कमर 10 है तो कमर पे 10 पे कर देंगे और चेस्ट 11 है तो चेस्ट के 11 पे करके और फिर बाजू नाप कर निशान लगा देंगे। बाजू 5.5 है तो इस तरह से 5.5 पे निशान लगा के अब बाजू से ये तिरछा से ऐसे मिला देंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई ऐसे लगा देंगे। दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे।